सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों बुर्का? क्यों बुर्का अलाउ नहीं है? कौन से मैम, कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में, क्या बुर्का अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुर्का? ये मतलब है बुर्का अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है मुझे आप बता दीजिए कि बुर्का अलाउ नहीं है? हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसकी हिसाब से करें। तो कौन सी गाइडलाइन है मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? आप लॉक करके बैठे हैं गेट को ताकि है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो ठीक है, मुझे गाइडलाइन दिखाओ। हाँ, आप कौन सी है? अगर अलाउ है तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक है? हाँ तो मुझे जो अलाउ नहीं लिखा हुआ यहाँ अलाउ नहीं है वो वाली गाइडलाइन भी दिखाएं मेरे को आप कि बुरखा यहाँ अलाउ नहीं है। आपसे कोई इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं मनीष साहब जी अगर अलाउ करते हैं तो नेटवर्क से कोई। हाँ ठीक है, मुझे सर से बात कर, मैं पूछूंगी सर कहाँ गाइडलाइन लिखी है जहाँ बुरखा अलाउ नहीं है। हाँ ठीक है बताइए। बुर्का कहाँ अलाउ है, कौन से बैंक में अलाउ? मैं फर्स्ट बैंक में यहाँ पे कि बुर्का अलाउ नहीं है, ऐसा क्यों अलाउ नहीं है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो, ये आप बैंक की प्रॉपर्टी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। क्या प्रॉपर्टी कर सकती हूँ मैं? आप अलाउ नहीं है बैंक में। नहीं तो फिर आप ये भी अलाउ नहीं, बुर्का वाला क्यों नहीं अलाउ नहीं है बुर्के में? बुर्के में आ रहे हैं, कोई मना नहीं करे पर मना किया है मेरे को गार्ड ने, आप इनसे पूछे मेरे को क्यों मना किया कि हमारी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि है ना बुर्का अलाउ नहीं है। एक मिनट आप ये बंद करेंगे? नहीं मैं बंद नहीं करूंगा, पहले मुझे बताएं। बंद नहीं, क्यों तो बंद क्यों? आप जवाब नहीं कर सकते, आप बैंक में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो फिर हमें बैंक में बुर्के में अलाउ क्यों नहीं है? अरे आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? तो मैं आप मुझे बताएं ना, तो इसमें रिकॉर्डिंग में क्या है आप बता दीजिए मुझे कि बुर्का क्या अलाउ नहीं है। देखो मैडम ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप बैंक। कैसे नहीं कर सकते? तो आप भी बुर्के में मना नहीं कर सकते? मना नहीं कर रहे किसी को, मना ही किया, पूछे ना इन्होंने कहा लंच के टाइम के लिए मना किया। अच्छा लंच के अंदर बुर्के में अलाउ नहीं है? नहीं किसी को अलाउ नहीं है, मैं ये नहीं कर रही था। अंदर बैठे थे, मैंने देखा था, मुझे बाहर जाते ही लॉक हुआ है। आप बैठे थे ना? हाँ। तो खाना खा रहे थे जी? तो खाना खा रहे थे आप बैठे थे, आपको मना किया था? फिर मैं बाहर जाते लॉक कैसे हुआ? नहीं ना लॉक नहीं, लोन इसलिए कर रहे थे हम खाना खाने बैठे थे। लॉक मैं बाहर गई तब हुआ है? लॉक से मतलब नहीं है, अंदर भी बैठे थे लोग। बैठे थे ना? हाँ। तो उससे मतलब फिर मैं बाहर गई तब लॉक। अरे आपसे बाहर जाने का मतलब नहीं है, मेरे को बाहर जाते ही लॉक हुआ है। नहीं, नहीं, आप ऐसे कौन से बैंक में लंच के अंदर लॉक नहीं होता? बैंक कौन से बैंक में होता है ऐसा लॉक अंदर से? जो कस्टमर आता है आके बैठता है वहाँ पे, वेटिंग एरिया में बैठता है वो आगे बैठता है। मैडम जब खाना खा रहे होते हैं तो इसलिए बंद कर देते हैं कि कोई किसी भी बैंक। मैं बाहर गई तभी लॉक हुआ है ये। आपका मतलब नहीं था, आपका ये था कि आपका काम हो गया, आप चले गए? मेरा काम नहीं हुआ था, उन्होंने बोला कि आप वेट करें, उन्होंने बोला आप वेट करें। आप क्यों कई बार बैठे थे? मैं मेरे साथ में बुलाने गई थी किसी को, मैं किसी भी काम से जाऊँ तो आप बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे आप। हमें पता नहीं है आप किस काम से गई थी, आप बैठे थे, हमने लंच में पहली बार लंच में बैंक लॉक नहीं होता है इतना तो मुझे भी पता है। इसलिए लॉक होता है कि सब कस्टमर खाना खाने बैठ जाते हैं, खाना खाने के बाद अगर मान लो चलो आप ठीक है, कोई भी अनवांछित कस्टमर आ गया है, कोई आ गया किसी भी तरह का कोई आ गया, हम खाना खा रहे हैं, कोई भी कुछ लूट बाट चले जाए, कौन जी मजा? अच्छा ऐसा तो कोई भी नहीं है, अभी आधे कस्टमर अंदर बैठेंगे और आधे बाहर रहेंगे। देखो मैडम एक तो ये कस्टमर ये बंद करो, आप ये अलाउ नहीं है। आप नहीं मैं बंद नहीं करूंगी इसको। एक चीज और, आप इसे क्यों अपने ऊपर ले रहे हो कि आप ही जाते हैं लोग को? ठीक है उनको लगाओ तो आपका काम हो गया, या आप बाहर जा रहे हो इसलिए किसको लगा? मैं गार्ड सर को मैं 2:30 के बाद अब वो अपने आप ओपन कर देते, इसलिए लोग अपने ऊपर मत लो कि मेरे को जाने के बाद ही बंद हुआ है। हाँ वो इसलिए हुआ कि आप मतलब आप जा रहे हो इसलिए मैं लॉक कर देता हूँ। तो और भी अंदर और भी कस्टमर बैठे थे, फिर उनको नहीं पता कि बाहर जाएंगे? अरे तो वो अपना काम करवा के जाएंगे ना, तो उससे पहले तो लॉक खुला हुआ ही था, मेरे को जाते कैसे बंद हो गया? तो अपने ऊपर क्यों ले रहे हो कि आपको उससे पहले भी लंच चल रहा था? मैडम मैं बता रही हूँ वो पहले से बैठे थे कस्टमर, मैं भी आई थी। हाँ आपने कुछ नहीं बोला, मतलब लॉक नहीं था, मेरे को जाते ही लॉक हो गया गेट। अरे वो मैं से पहले चले गए थे अंदर, इसलिए नहीं किया था उस टाइम, लॉक इसलिए खुला हुआ था क्योंकि सर बाहर गए थे अपने ऊपर ऐसे मतलब कि कस्टमर और गुर्खा क्यों नहीं अलावा बैंक के अंदर? ऐसे नहीं अलावा होता है, बस ऐसे मना नहीं करते कि उससे पहले से आसान नहीं देते थे। मैं पहले मेरी बात सुनो जी, बोलिए।
सपोज अगर आप कैश विड्रॉल के लिए किसी काम के लिए आ रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनकी गलती है, वो जेंट्स नहीं बोल सकते जी। लेकिन अगर आपको मेरे को आपको वेरीफाई करना है इन पर्सन कि आप हो या नहीं हो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ। आप मुझे वहाँ अंदर काउंटर पे आने के बाद बोल सकती है, आप मुझे गेट पे उतार के आए आप अंदर, वो मैं बोलती हूँ कि उनकी गलती है, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। बोलोगे सॉरी बोले कैसे बोला, उन्होंने क्या बोला कि गाइडलाइन में नहीं है अंदर बुर्का पहन के, तो मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी बोल रही हूँ। बस भाई गलती होगी कि वो जेंट्स होते उन्होंने बोल दिया, बट अगर जेंट्स होने की बात नहीं है, बात उन्होंने बोला कि आप पर्सन अगर आपके आए इन पर्सन अगर आपको मुझे वेरीफाई करना, तो मैं आपको बोलूंगी आप मुझे वेरीफाई करते हैं, काउंटर पे आगे बोलते हैं कि हमें कोई बोल रहे हैं वो गलती होगी, वहाँ दिखाती मैं आपको, लेकिन आप आगे मैं सॉरी बोल रही हूँ, अब इस चीज को इतना वो मत कीजिए आप।